Assalamu alaikum to all my YouTube family. Hope you all are fine and enjoy your simple daily life. आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा चिकन एंड चना की बिरयानी, जो कि कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रेसिपी नहीं है. बिल्कुल सिंपल तरीके से बिरयानी कैसे बनाई जाएगी वो मैं आपको बताऊंगी. आज क्योंकि संडे था और मेरे पास कुछ ग्रोसरी में से चिकन बच गई थी और कुछ बॉयल चिक पीस मेरे पास बच गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको मिक्स एंड मैच करके एक सिंपल सी बिरयानी रेडी कर लेते हैं. उसके लिए सबसे पहले मैंने चावलों को आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद गर्म पानी में जो है नमक, गर्म मसाला साबुत और सिरका ऐड करके चावलों को बॉयल कर लिया था. अब मैं कौरमे के लिए जो है मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ इमली ले ली थी और सबसे स्पेशल चीज़ ये स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाला है, जो कि मैं कंप्लीट ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इस तरीके से फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है और बच्चे जो हैं वो बिरयानी को एंजॉय नहीं कर सकते. तो मैं जस्ट फॉर अ गुड फ्लेवर, गुड स्मेल, सिर्फ और सिर्फ 1 to 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी या फिर हाफ पैकेट. ये पैकेट नहीं है, ये एक्चुअली साशे है और इसका भी मैं हाफ जो है वो अपनी बिरयानी में ऐड करूँगी. अब सबसे पहले जो है वो मैंने अनियन को जो है फ्राई करना है और कुछ जो है वो मैंने सेपरेट कर लेने हैं और सिर्फ कुछ को जो है मैंने कंटिन्यूसली कुक करना है. जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और पेस्ट ऐड करने के बाद जब पेस्ट भी थोड़ा जो है वो फ्राई हो जाएगा चिकन ऐड कर दूंगी. चिकन को थोड़ा फ्राई करने के बाद उसमें जो है मैंने आलू भी ऐड करने थे. जैसे कि मैंने कहा कि बची कुछ चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके बिरयानी बना रही हूँ, तो चिकन भी बहुत थोड़ी सी बची हुई थी और अब जो है वो पोटैटोज़ मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं और पोटैटोज़ को भी मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी कि उन पर जो है एक लेयर कलर की आ जाए. और जब पोटैटोज़ अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको फर्दर रेसिपी बताती हूँ. ये वो चीज़ें जो मैंने सेपरेट अलग कर ली थी, जैसे कि ब्राउन अनियन एंड चिल्ली, क्योंकि मेरे पास डेकोरेशन के लिए सिर्फ यही चीज़ें मौजूद थी. अदरवाइज़ इसमें जो है आप धनिया पुदीना ज़रूर ऐड कीजिए, वो बहुत अच्छा लगता है. कट किया हुआ लेमन बहुत अच्छा लगता है. टमाटर ऐड करने के बाद जो है इसमें मैंने आधा पैकेट जो है वो बिरयानी मसाला का ऐड किया है जस्ट फॉर फ्लेवर और कुछ मैंने घर के ही मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, सालन मसाला पाउडर और नमक जो है वो घर के मसाले भी मैंने इसमें ऐड कर लिए थे क्योंकि वो इतने स्पाइसी नहीं होते. अगर मैं फुल पैकेट ऐड कर दूँगी तो फिर इस बिरयानी को बच्चे नहीं खा सकते, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी. अच्छे तरीके से फ्राई किया जा रहा है इसे, खूब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे कि टमाटर जो हैं वो गल जाएं और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए. अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद मैंने इसमें जो है वो कुछ उबले हुए चने ऐड कर दिए हैं और इनको अगेन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भूनना है ताकि सारे मसाले मिक्स एंड मैच हो जाएं और सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में घुल मिल जाएं. तो अगेन जो है हम इसकी भुनाई करते हैं. अब चेक कीजिए आप, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मसाला जो है वो भुन चुका है. अब मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया है ताकि जो है वो थोड़ा स्मूथ सा जो है वो मुझे ग्रेवी भी मिल जाए और जो हमारे आलू हैं वो भी गल जाएं अच्छे तरीके से. जो है आलू मैंने चेक कर लिए हैं, वो गल चुके हैं और मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है. अब तेह की बारी आती है तो लेयर में बेस पर सबसे पहले जो है मैंने सारे पोटैटोस ऐड कर लिए थे ताकि उनमें जो है वो भी अगर थोड़ा सा बर्निंग का इशू हो तो वो भी थोड़े क्रिस्पी हो जाएं. एंड देन जो है मैंने 1 by 1 सिंपल सी लेयर कर दी थी और लास्ट में क्योंकि मेरे पास से ब्राउन अनियन ही थे तो वही ऐड किए. तो ये था आज की हमारी बिरयानी की रेसिपी. होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. Thank you.